हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज योगेश फ्रॉम इंग्लिश गुरुजी चैनल और एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं अंग्रेजी भाषा के बारे में रोचक तथ्य। आज के इस वीडियो लेक्चर में 30 ऐसे रोचक तथ्य आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ जो शायद आपको नहीं पता होंगे, और यकीन मानिए इस वीडियो लेक्चर को देखने के बाद आपको बहुत सारी नई चीज़ें सीखने को मिलने वाली हैं। तो आइए बिना किसी देर करे शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो लेक्चर की। सबसे पहला पॉइंट देखिए कौन सा है, आई और जे के ऊपर जो बिंदु होता है ना उसको हम कहते हैं टाइटल, यानी कि आई और जे के ऊपर जो पॉइंट होता है उसको हम कहते हैं टाइटल। नेक्स्ट, हर साल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लगभग 1000 नए शब्द जोड़े जाते हैं। हर साल ऑक्सफोर्ड इंग्लिश डिक्शनरी में लगभग 1000 नए शब्द जोड़े जाते हैं। अगला देखिए, ऑक्सफोर्ड इंग्लिश के अनुसार अंग्रेजी भाषा का सबसे बड़ा शब्द है न्यूमनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवॉल कैनोकोनियोसिस। न्यूमनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवॉल कैनोकोनियोसिस जो 45 अक्षरों का है, जो धूम्रपान और धूल मिट्टी के कारण फेफड़ों में होने वाली बीमारी का नाम है। किस तरह से इसको प्रोनाउंस करना है आपने, न्यूमनो अल्ट्रा माइक्रोस्कोपिक सिलिकोवॉल कैनोकोनियोसिस। 45 अक्षरों का ये शब्द है, इस तरह से आपको प्रनाउंस करना है इसे। अगला देखिए, विश्व भर में भारत अंग्रेजी बोलने वाली आबादी में दूसरे स्थान पर आता है। पहले स्थान पर संयुक्त राज्य अमेरिका है, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद ना भारत का नाम आता है पूरे विश्व में। अगला देखिए, ओके शब्द की खोज 1839 में हुई थी। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा में अंडरग्राउंड और अंडरफंड ये दोनों ऐसे शब्द हैं जो यूएनडी से शुरू होते हैं और यूएनडी पर समाप्त होते हैं। अंडरग्राउंड और अंडरफंड दोनों ही शब्दों को आप देखिए, यूएनडी से शुरू हो रहे हैं और यूएनडी पर ही खत्म हो रहे हैं। गो एक वर्ड है जिसका मतलब है जाना, और आई एम जिसका मतलब होता है मैं हूँ, अंग्रेजी भाषा के सबसे छोटे और पूर्ण वाक्य यानी कि कंप्लीट सेंटेंस हैं। अगला देखिए, अंग्रेजी भाषा में सबसे अधिक शब्द एस अक्षर से शुरू होते हैं। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा में 5 स्वर हैं। स्वर कौन कौन से हैं, ए ई आई ओ यू। अंग्रेजी भाषा का शब्द एब्स्टीमियस और फैसिटियस ऐसे शब्द हैं जिसमें सभी स्वर वर्णमाला के क्रम यानी कि अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आते हैं। एब्स्टीमियस, एब्स्टीमियस जिसका मतलब होता है संयमी। किसे कहते हैं संयमी, जिसके अंदर सब्र हो, जिसके अंदर धैर्य हो। दूसरा वर्ड है फैसिटियस जिसका मतलब होता है मजाकिया, यानी कि जो इंसान बहुत ज़्यादा फनी होता है, जो बहुत ज़्यादा मजाक करता है उसे हम कहते हैं फैसिटियस। PRONUNCIATION शब्द का मतलब हिंदी में होता है उच्चारण, लेकिन इस शब्द को बोलते वक्त लोग सबसे ज़्यादा गलती करते हैं। इसका सही उच्चारण है प्रनन्सिएशन। किस तरह से इसको बोलना है, प्रनन्सिएशन। अगला देखिए, अंग्रेजी भाषा में हर 2 घंटे में एक नया शब्द जोड़ा जाता है, और साल के हिसाब से यह आंकड़ा 4500 का है, यानी कि एक साल में अंग्रेजी भाषा में 4500 नए शब्द जोड़े जाते हैं ये आप कह सकते हैं। अमेरिका में सैकड़ों लोगों का नाम ABCDE है। RHYTHM रिदम वोवल के बिना इंग्लिश का सबसे बड़ा शब्द है। रिदम एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी वोवल नहीं है। वोवल क्या होते हैं, AEIOU, ये एक ऐसा वर्ड है जिसमें कोई भी वोवल नहीं है। अगला देखिए, टाइपराइटर एक ही लाइन पर टाइप होने वाला अंग्रेजी का सबसे लंबा शब्द है। अनकॉपीराइटेबल अकेला 15 अक्षरों वाला शब्द है जिसमें कोई भी अक्षर दोबारा नहीं दोहराया जाता है। आज से लगभग 500 साल पहले तक अंग्रेजी भाषा में नारंगी रंग के लिए कोई भी शब्द नहीं था। FUNK फंक ऐसा शब्द है जो तंबाकू से आने वाली गंध के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये शब्द फंकी शब्द से बना है। फ्लेबेलेशन इस तरह से इसको प्रनाउंस करना है। इस शब्द का अर्थ है पंखा चलाकर किसी चीज़ को ठंडा करना, यानी कि जब हम पंखा चलाकर किसी भी चीज़ को ठंडा करते हैं ना, वो खाना हो, चाय हो, कॉफ़ी हो, इस तरह के सेंस के लिए इस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्लैंक नेपर इस शब्द का इस्तेमाल चांदी के बर्तन चोरी करने वाले चोर के लिए किया जाता है। इस शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले 1800वीं शताब्दी में किया गया था। जब हम अपने दोनों हाथों को एक साथ मिलाते हैं तो एक कटोरी की आकृति बनती है जिसे अंग्रेजी में गो पैन कहते हैं। गो पैन जिस तरह से हम कहते हैं ना गो, उसी तरह से इसको प्रनाउंस करना है। गाओ नहीं बोलना, गो पैन। इमेज देखिए, इससे आपको बेहतर समझ में आएगा।
बीच में आपको दिख रहा होगा एक शेप बन रही है, एक आकृति बन रही है, इसी को हम कहते हैं गोपेन। अगला देखिए, हेलो के बाद अंग्रेजी का सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाला शब्द ओके है। अंग्रेजी भाषा में केवल राइट हैंड से टाइप होने वाला सबसे लंबा शब्द लॉलीपॉप है। नेक्स्ट, अंग्रेजी भाषा में ऐसे भी शब्द हैं जिनको उल्टा या सीधा लिखने पर एक जैसे रहते हैं, यानी कि उनके सेंस में ना, उनके अर्थ में कोई भी बदलाव नहीं आता। क्या शब्द हैं वो, कौन-कौन से शब्द हैं, आइए देखते हैं। पहला है मलयालम, लिरिल, मैडम, नितिन, नमन, रेफर, रडार, लेवल, सिविक। इस तरह के शब्दों को अंग्रेजी भाषा में पैलिंड्रोम कहा जाता है। क्या कहते हैं इन शब्दों को हम, पैलिंड्रोम। अगला देखिए, TWYNDYLLYNG, बिना वोवल्स, AEIOU का इंग्लिश लैंग्वेज का ऐसा शब्द है जो बोलचाल की भाषा में इस्तेमाल नहीं किया जाता, जिसका अर्थ होता है जुड़वा, यानी कि जो ये वर्ड है ना, ट्विंडलिंग, इसका मतलब होता है जुड़वा। इसके अलावा HYMN एक वर्ड है जिसको हम प्रनाउंस करते हैं हिम, इसका मतलब होता है भजन। इस वर्ड में भी कोई भी वोवल AEIOU नहीं है। अगला देखिए, अंग्रेजी भाषा में हाइड्रोजन ऐसा शब्द है जिसमें XYZ तीनों लगातार आते हैं। नेक्स्ट, यदि आप अंग्रेजी लैंग्वेज में गिनती, काउंटिंग लिखना शुरू करेंगे, जैसे 1, 2, 3, 4, 5, तो 1 बिलियन तक पहुंचने से पहले कहीं भी बी लेटर नहीं आएगा। अंग्रेजी भाषा में ऑलमोस्ट ऐसा शब्द है जिसमें सभी शब्द क्रमांक में हैं, क्रमांक यानी कि सीरीज में हैं। जब हम किसी को गाली देते हैं, गाली देने के बाद मन को जो सुकून मिलता है, एक संतुष्टि मिलती है, एक अलग सी फीलिंग्स आती है, उसे हम कहते हैं लैलोचीजिया। क्या कहते हैं, लैलोचीजिया। सपोज कीजिए कि आपने किसी इंसान को गाली दी, नेक्स्ट टाइम जब आप किसी को गाली देंगे ना, तो उसके बाद इस तरह से आप कह सकते हैं, नाउ आई एम फीलिंग लैलोचीजिया। इस वर्ड को आप यूज कर सकते हैं अपने कॉन्वर्सेशन में। अगला देखिए, अंग्रेजी भाषा में ऐसे भी शब्द हैं जिसमें 5 वोवल्स AEIOU आते हैं। कौन से शब्द हैं, एजुकेशन, कॉलीफ्लावर, ऑटोमोबाइल। नेक्स्ट देखिए, द क्विक ब्राउन फॉक्स जंप्स ओवर द लेजी डॉग। ये अंग्रेजी वर्णमाला का ऐसा वाक्य है जिसमें ए से लेकर जेड तक के सभी अल्फाबेट्स हैं, और इस तरह के वाक्यों को पैनग्राम कहा जाता है। क्या कहते हैं, पैनग्राम। अ सेंटेंस कंटेनिंग एवरी लेटर ऑफ अल्फाबेट दैट इज कॉल्ड पैनग्राम, यानी कि ऐसा वाक्य जिसमें वर्णमाला के सभी अक्षर आए, उसे पैनग्राम कहते हैं। तो गाइस, इस तरह से आज के इस वीडियो लेक्चर में 30 ऐसे इंटरेस्टिंग पॉइंट हमने आपके साथ शेयर करे जो शायद आपको नहीं पता थे, या फिर इसमें से कुछ पॉइंट आपके लिए नए होंगे। अगर आप इस चैनल के लिए नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो, तुरंत उसका नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। और अगर ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन, यू टेक केयर एंड गुड बाय।